तो और कैसे हैं आप लोग? माना ये कॉपी लग रहा है, लेकिन भाई प्लीज कोई भी कमेंट में आके ये मत बोलना कि कॉपी कॉपी कॉपी, वरना बुरा लगता है भाई। आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान की बहन के पायल दीदी मेरे पे और सौरभ जोशी की जानी दुश्मन की। जानी दुश्मन से याद आया है, इसकी वीडियोस के वीएफएक्स तो जानी दुश्मन से भी बेकार है। चूतिया है, कुछ भी चाहता है। गाइस, तो आप में से काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें आयु एंड पीयूष का नंबर दे दो। हाँ भाई, सारे लोग इसके घर में घुस के बोलते होंगे, क्योंकि इसके कमेंट सेक्शन तो ऑफ रहता है, नंबर हमेशा चालू रहता है। उनका आपको नंबर दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मुझे लगता है आपने नंबर देख लिया होगा। हमारी पायल दीदी इतनी अनोखी है कि जब ये पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने इनके माँ बाप से साफ साफ बोला था कि आपके घर पे पागल पैदा हुई है, लेकिन इनके माँ बाप भी ठहरे कान से थोड़े से कच्चे। उन्हें लगा पागल नहीं, पायल हुई है। और हाँ दीदी, हमने सुना था कि लोगों पे उनके नाम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन इतना ये पहली बार देख रहा हूँ। आपका नाम पायल है, लेकिन आप झुंझुने से कम नहीं बचते हो। सही पकड़े हैं। और हाँ भाई, दीदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। दीदी की वीडियोस इतनी जेन्युइन होती है, इतनी जेन्युइन जितनी तरुण गिल की हाफी वर्कआउट के बाद। अब ये कौन बोल रहा है कि तरुण भाई की हाफी मैंने गधे की साउंड से चेंज कर दी? भाई मैं उनसे बहुत डरता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा गाइस, ये देख लीजिए प्रगति वर्मा ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने उनके अगेंस्ट दो वीडियो बना दी, तो उन्होंने मतलब ऐसे करके मेरे से बदला लिया। हाथ पे भी लगी है एंड यहाँ पे भी लगी है। नहीं दीदी, तुम हमें एक बात बताओ, जब तुम्हारे हाथ पे भी पैर पे भी इतनी चोटें लगी हुई हैं, तो इतना तड़प काहे को रही हो मरने के बाद भी? ये देख लीजिए प्रगति वर्मा ने मेरे साथ क्या किया। अच्छा, तो आपके अनुसार ये सब प्रगति वर्मा ने किया? अरे पागल जोन, हगना बंद करो अपनी वीडियोस पे। तुमने कुछ दिनों पहले ही प्रगति वर्मा को अपनी वीडियोस में मार डाला है। वो कहाँ से आ गई? भूत बन के बदला लेने आई है क्या तुमसे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हाँ प्रगति दीदी, थोड़ा विमल कम खाया करो बे, इतना काहे थूक दिया उसके माथे पे। और भैया, हमारी पागल दीदी उन कुछ यूट्यूबर्स में से हैं जिनको अगर व्यूज के लिए अपनी सुहागरात भी लाइव टेलीकास्ट करवानी पड़े ना, तो वो सोचेंगी नहीं। वैसे सुहागरात से याद आया, ओए सहवाग, तूने भाई अपना बच्चा तो दिखा दिया, बच्चा करने की प्रोसेस ना दिखाई यार। और भैया, पागल दीदी को अंडर एस्टिमेट करने की तो गलती कौन नहीं करना। हमारी पागल दीदी छिपकली से कम थोड़ी ना है। छिपकली तो सिर्फ अपनी पूंछ उगा सकती है, ये दो दिन में अपनी नाक से लेके बाल तक सब उगा ले जाती है। बात तो सही है। और हाँ सौरभ भाई, तुम्हारे लिए भी एक बात बोलना चाहूंगा, अगली बार नाक काटना तो किसी ऐसे प्राणी की काटना जो अपनी उगा ना पाए। साला तुम्हारी भी मेहनत बर्बाद जाती है बहनचोद। तो यारो, अब लेते हैं अलविदा। इस वीडियो में इतना ही, इससे ज्यादा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जाओ भे, इससे ज्यादा भी लाएंगे हम। हाँ, एक एडवाइस और देते हुए जा रहा हूँ, पागल जोन को अंडर एस्टिमेट करने की कोई गलती मत करना, क्योंकि भैया पागल जोन वो हस्ती है जिनकी बस्ती का अगर सौरभ जोशी के फैंस को पता लग जाए ना, तो वो जाने क्या क्या काट डालेंगे। अरे भाई, तुम लोगों का दिमाग कहाँ जाता है यार, मैं नेट के वायर की बात कर रहा था, तुम का समझ लेते हो यार, गलत बात। चूतिया है, कुछ भी चाह